कैसे हो आप सब? ठीक है। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी प्यासे कौए की। किस किस को आती है? सुनी है कभी प्यासे कौए की कहानी? कैसा होता है कौवा? ये देखो, ये क्या है? कौवा। ये क्या है? घड़ा। सुनी है ये कहानी पहले भी आपने? सुनी है? किसने सुनी है बताओ? क्या है इसमें? कौन सी कहानी? चलो आप आज आपको मैं सुनाती हूँ, ठीक है? चलो। एक बार की बात है, एक क्या था, कौवा था। उसको बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी। गर्मियों के दिन थे, गर्मियों में प्यास बर्दाश्त नहीं ना होती किसी से भी, सभी को पानी चाहिए ना गर्मियों में। कौवे को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। कौवा कभी इधर उड़ रहा था, कभी उधर, उसे कहीं भी पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला, ठीक है उसको। बेटा आराम से ध्यान से सुनो, फिर आपको मजा भी आएगा, मैं पूछूंगी आपसे, ठीक है? कौवा कभी इधर उड़ रहा था, कभी उधर, उसको कहीं भी पानी दिखाई नहीं दिया। फिर वो बहुत दूर उड़ता उड़ता एक बाग में पहुंचा। वहां पे क्या था? एक घड़ा। क्या था? एक घड़ा। वो बहुत खुश हुआ, कौवा घड़े को देखकर बहुत खुश हुआ। वह जल्दी से घड़े के पास पहुंच गया, ठीक है? जब उसने देखा ना घड़े में, ऐसे करके देखा, घड़े में पानी बहुत ज्यादा, थोड़ा सा पानी था घड़े में। वो जैसे उसको पानी को पीने लगा, उसकी जो चोंच थी वो पानी तक नहीं पहुंच रही थी। फिर वो उसकी चोंच घड़े की, कौवा की जो चोंच होती है छोटी सी होती है ना, पतली सी। फिर वो जो घड़ा था ना, घड़े में थोड़ा सा पानी था, वो ऐसे पानी पी रहा था, उससे पानी जो पिया नहीं जा रहा था। फिर उसने क्या किया पता आपको? क्या किया उसने? उसने पहले इधर उधर देखा, फिर उसे ना पास में ना छोटे 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 कंकर दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? कंकर, जिसको हम बोलते हैं पत्थर। क्या बोलते हैं? पत्थर दिखाई दिए छोटे छोटे। उसने अपनी चोंच से पत्थर उठा उठा कर उस घड़े में डाल दिए। क्या डाल दिए? पत्थर। किसमें डाल दिए? घड़े में। फिर क्या हुआ उससे पता है? क्या हुआ उससे? फिर जो पानी था ना, वो धीरे 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 ऊपर आने लगा। क्या होने लगा? ऊपर ऊपर आने लगा। फिर कौवा देखकर क्या हुआ? बहुत खुश हुआ। फिर जैसे उसने, कौवे ने जैसे चोंच अपनी फिर डाली घड़े में, पानी जो था ऊपर आ गया, कौवे ने पानी पी लिया। पी लिया ना कौवे ने पानी? फिर जब पानी ऊपर आ गया, फिर कौवा पी लेगा पानी। उसने पानी पी लिया, वो पानी पीकर उड़ गया। उड़ गया। फिर उसकी जो प्यास थी वो बुझ गई ना, उसकी प्यास। इसका क्या मतलब है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें उसका फल जरूर प्राप्त होगा। जैसे कौवे ने मेहनत की, कंकर उठाए, घड़े में डाले, पानी ऊपर आया, कौवे ने पानी पी लिया, फिर जो कौवा था वो उड़ गया। उड़ गया। हाँ ठीक है, मजा आया, समझ आई कहानी? ठीक है।